क्योंकि हमारी फौज को सिर्फ वही जुबान समझ आती है जिसमें दहशतगर्द खादिम रिजवी जैसे उनसे बात करते हैं। शायद हम जैसे लोगों को भी, जो हमारे ओपिनियंस काफी आराम से हम समझाने की कोशिश करते हैं, हमें भी शायद वही जुबान अपनानी चाहिए और फौज को एक मैसेज, एक पैगाम पहुंचाना चाहिए। लानत है उस फौज पर जो जाकर पैसे देती है उन दहशतगर्दों को जिन्होंने इस्लामाबाद और पूरे मुल्क को आग लगाने की कोशिश की है। लानत है उस फौज पर जो जानती नहीं है, एक तरफ मुड़ के कहती है कि मेजर इसाक और जवानों ने जिन्होंने कुर्बानियां दी हुई हैं दहशतगर्दी के खिलाफ, उन सारी कुर्बानियों की बेइज्जती करती है इन लोगों को पैसे देने से, इन लोगों के साथ अग्रीमेंट्स करने से। लानत है उस फौज पर जिसने 70 साल में ये नहीं सीखा कि ये लोग इस मुल्क को जला के रख देंगे, ये लोग किसी की इनके साथ लॉयल्टी नहीं है, ये सिर्फ सिर्फ नफरत फैलाने आए हैं। और ये नफरत फैलाकर आपने उन्हें क्या दिया? आपने उन्हें पूरा पाकिस्तान एक प्लेटर पे दे दिया है। लानत है उस फौज पर जो अपने DHAs और फौजी फर्टिलाइजर से पैसे कमाती है और ऑर्डिनरी लोग, जो आम आदमी है, उसकी जिंदगी हराम करने में लोगों को पैसे देती है इन दहशतगर्दों को। लानत है उस फौज पर जिसने 70 साल में ये नहीं सीखा कि दहशतगर्दों की सपोर्ट करना, दहशतगर्दों के हामी बनना इस मुल्क की तबाही फेर रहा है। पाकिस्तान एक कौम अब बन गई है जो दहशतगर्दों के साथ मुतालबे करती है, तो जो दहशतगर्दों के डिमांड्स को एक्सेप्ट करती है, ये हमारी कौम है। अब इस फौज की वजह से पाकिस्तान को जितना नुकसान पड़ा है, सबका हक बनता है, सबकी जिम्मेदारी है कि वो अपनी आवाज उठाए इस फौज के खिलाफ जिसने इस मुल्क को बर्बाद करके रख दिया है। अगर आप में थोड़ी सी भी उम्मीद है कि पाकिस्तान शायद एक दिन एक प्रोग्रेसिव या एक जमहूरी मुल्क बन सकेगा जहां लोगों की जिंदगी की प्रोटेक्शन होगी, जहाँ लोगों की जिंदगी, सबसे इम्पोर्टेंट उनका हक जो है वो प्रोटेक्ट किया जाएगा, उसे महफूज किया जाएगा, इस फौज के हाथ या इस हुकूमत के हाथ आपको बोलना चाहिए और किसी भी चीज से डरना नहीं चाहिए। डरने का वक्त खत्म हो गया है। ये जो लोग अब दहशत फैला रहे हैं, इन्हें फौज ने इधर पहले लाया और फिर उनके साथ ये अग्रीमेंट्स की और फिर उन्हें ये पैसे दिए, हजारों के जो ये नोट दे रहे हैं इन दहशतगर्दों को, किस चीज के लिए दे रहे हैं? कि हमारे बच्चे स्कूल नहीं जा सके, कि हमारे बच्चे एम्बुलेंसेस में मर रहे थे, कि हमारी जिंदगियां हराम हुई हुई थी, ये हमारी फौज है। इसलिए तो पाक फौज जिंदाबाद के नारे लगा रहे हैं खादिम रिजवी और इस जैसे दहशतगर्द, क्योंकि फौज और दहशतगर्दों में अब कोई फर्क नहीं रहा। और अगर आप इसके खिलाफ आवाज नहीं उठाते, जो पाकिस्तान के साथ होने वाला है उसके आप सब जिम्मेदार हैं। अभी कुछ देर पहले मैंने एक वीडियो क्लिप देखा था, MNA शीरी मजारी साहेबा की साहेबजादी ने फौज पर लानत भेजी और कहा कि जो धरने में लोग बैठे थे वो दहशतगर्द हैं। तो एक चीज मोहतरमा आपको बताना चाहता हूं, और इसे खुद पर ही लीजिएगा कि जिस मामले के लिए ये लोग बैठे थे ना, वो मामला बड़ा सेंसिटिव मामला है, वो मामला बहुत हसास मामला है, और उस मामले को समझने के लिए वालिद मोहतरम का एक होना और वालिदा का नेक होना बहुत जरूरी है। और अगर आप मुझसे सबूत भी मांगती हैं इन चीजों के कि भाई इसका पीछे क्या लॉजिक है, तो मैं आपको बता भी दूंगा। और दूसरी बात ये कि आज वो लोग हमें बता रहे हैं कि जी दहशतगर्दी क्या होती है, और हमें बता रहे हैं कि जी इस्लाम इस चीज का दर्स नहीं देता, जिनकी अपनी वालिदा, सबूत है मेरे पास, जिनकी अपनी वालिदा 126 दिन इस्लामाबाद की सड़कों पे नाचती रही हैं, वो हमें बता रहे हैं कि सड़कें बंद नहीं करनी चाहिए। 20 दिन सड़क अगर एक अच्छी कॉज के लिए बंद की गई है तो वो दुरुस्त नहीं है, वो दहशतगर्द है। लेकिन 126 दिन
गैर मर्दों के साथ नाचना जो है वो बिल्कुल जायज है। वाह 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 वाह, एक तो लिबरल्स की मुझे बिल्कुल समझ नहीं आती, और आप जितना उछल रही है ना अपनी वालदा के एमएनए की सीट पर, जनाब ये जो रिजर्व सीट मिलती है ना औरतों को, ये इलेक्टेड एमएनएज नहीं होते, ये खैरात में मिलती हैं। और जिस फौज पर आप लानत भेज रही है ना, ये उसी फौज के किसी, मेरे ख्याल है जनरल साहब की सिफारिश पे ही वो खान साहब ने आपकी वालदा को सीट दी थी कि चलो यार स्ट्रेटेजिक अफेयर्स पर एक दो तकरीरें कर लेती हैं मजारी साहिबा, तो इन्हें सीट दे दो कल को, मतलब बेहतर रहेगा किसी और को देने की नस्बत, तो एहसान फरामोशी नहीं करते। और दूसरी बात आपसे कहना चाहता हूँ, हर चीज में आयशा गुलालई या मीरा या फिर ये कंदील बलोच को नहीं फॉलो करना चाहिए ना, कोई इन अच्छी चीजें भी फॉलो कर लेनी चाहिए। एक तो आज हर लिबरल को जो है ना वो मेरा ख्याल है कंदील बलोच ही अपनी आइडियल नजर आती है, तो मेहरबानी फरमाएं इन चीजों से बाज रहे। अभी आप हमें दहशतगर्द कह रही हैं, तो मैं सोच रहा था कि थोड़ी सी दहशतगर्दी आपको दिखा देते हैं, तो मैंने कहा चलो खातून है, थोड़ा सा एहतरामन जो है ना खामोश रहते हैं। तो अगर जिस फौज पे आप लानत भेज रही थी, अगर ये फौज ना होती ना, तो आज आपकी वालदा हिंदू बनिए की गाड़ी के टायर साफ कर रही होती, जो आज एमएनए। और अगर ये इस्लाम के नाम पे ये मुल्क ना बनता ना, तो आज दिल्ली और लखनऊ की सड़कों पर आपके रेट लग रहे होते। कदर करो इस मुल्क की, कदर करो इस मुल्क की अफवाज की, और कदर करो दीन इस्लाम की, और जिस दीन के सदके में हमें ये मुल्क मिला है, वरना जाके पूछो हिंदुस्तान में क्या हो रहा है हमारी माओ बहनों बेटियों के साथ। और अगर फिर भी कदर नहीं है, तो आपको भेज देते हैं जरा लखनऊ के बाजार में, आपको खुद अंदाजा हो जाएगा, और इस मुल्क की भी कदरों कीमत का एहसास हो जाएगा, इसकी अफवाज की भी कदरों कीमत का एहसास हो जाएगा।